अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक। बेटा इंग्लिश वर्क बुक का बुक पेज नंबर 3535 ओपन करें। सबसे पहले हम लोग डेट डे मेंशन करेंगे। डेट है जो हमारे पास 07-07-2020 7 जुलाई 2020, और डे है हमारे पास ट्यूसडे, PUES TUESDAY डे ट्यूसडे। आज हमने लेटर रीड एंड राइट करना है, लेटर एम। कौन सा लेटर राइट करना है? लेटर एम। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैट, एम फॉर मॉस। फिर पढ़ें आप लोग, एम फॉर मंकी। मंकी कहाँ रहता है जी? फॉरेस्ट में, जंगल में। और मंकी बहुत ही शरारती जानवर है, जो हर किसी के साथ शरारते करता रहता है। वो बनाना खाता है बहुत शौक से। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैट, एम फॉर मॉस। मॉस किसे कहते हैं? मॉस जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, हम जहाँ पे हमारे बाबा भाई ये नमाज पढ़ने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉस कहते हैं। एम फॉर मॉस जी। आज हमने लेटर राइट करना है, लेटर एम जी। बेटा ये देखें जो डॉट लगे हुए, हम सबसे पहले डॉट के ऊपर पेंसिल रखेंगे, स्ट्रेट लाइन लेकर आएंगे, इसको ऊपर इसी तरह लेके जाना है। पेंसिल को उठाना नहीं है, इसको हल्का सा कर्व करना है और फिर नीचे ले आना है, और फिर इसको ऊपर लेके जाना है। पेंसिल हम उठाएंगे नहीं, हल्का सा राउंड में करेंगे और फिर नीचे ले आएंगे, ठीक है? एम हमारा सेंटर की टू लाइन्स में आएगा, ना लाइन से ऊपर जाएगा ना लाइन से नीचे जाएगा जी। नेक्स्ट दोबारा देखें, डॉट्स के ऊपर पेंसिल रखें, स्ट्रेट लाइन लेकर आएँ, फिर इसको वापस ऊपर लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें, फिर नीचे ले आएं, फिर उसको ऊपर लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें और फिर नीचे ले आएं, ठीक है बेटा? आपने ये टू लाइंस खुद राइट करनी है। डॉट्स वाली थर्ड लाइन पर आ जाएं, जहाँ पे वापस डॉट लगा हुआ है। फर्स्ट लाइन को हम छोड़ देना, उसको टच नहीं करना। सेकेंड लाइन पर जहाँ डॉट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन तक लेकर आएंगे, फिर उसको इसी पे ऊपर वापस लेके जाएंगे। इसको यहाँ से हल्का सा कर्व करेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे थर्ड लाइन तक, फिर हम इसे कोई वापस ऊपर लेके जाएंगे, हल्का सा कर्व करेंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे थर्ड लाइन तक, ठीक है? इसकी 1 2 3 लेग्स होंगे इसकी। और ये क्या बन गया हमारे पास? लेटर एम। लेटर एम दोबारा देखें, जहाँ डॉट लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट करें, पेंसिल रखें, स्ट्रेट लाइन लेकर आएँ जिस तरह स्माल आई होता है, फिर इसको हम वापस उसी पर ऊपर लेके जाएंगे, हल्का सा कर्व करेंगे। सेकेंड लाइन को हमने टच करना है, फिर नीचे लेकर आएंगे थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर लेके जाएंगे, हल्का सा कर्व करेंगे और फिर नीचे ले आएंगे थर्ड लाइन तक, ठीक है? ये क्या बन गया? लेटर एम। फिर नेक्स्ट डॉट पर आएँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेकर आएँ, स्ट्रेट आई बनाएं थर्ड लाइन तक, फिर इसको वापस ऊपर लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें, फिर नीचे ले आएँ थर्ड लाइन तक, फिर इसको इसी पे पेंसिल को उठाना नहीं है, वापस ऊपर जाना है, फिर हल्का सा कर्व किया और दोबारा नीचे आ गए, ठीक है? ये देखें, ना हम लोग लाइन से ऊपर गए ना लाइन से नीचे आए। ये क्या बन गया हमारे पास? स्मॉल एम। स्मॉल एम। नेक्स्ट डॉट पर आएं, पेंसिल रखें, स्ट्रेट आई बनाएं थर्ड लाइन तक, फिर वापस लेके जाएं, इसको हल्का सा कर्व करें, फिर नीचे लेकर आएं थर्ड लाइन तक, फिर से वापस लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें और फिर थर्ड लाइन तक नीचे ले आएं। क्या बन गया? एम। एम की कितनी लेग्स होती हैं? 1 2 3। फिर नेक्स्ट डॉट पर आएं, स्ट्रेट लाइन आई की तरह, फिर ऊपर लेके जाएं, कर्व करें, फिर नीचे ले आएं स्ट्रेट आई, फिर ऊपर लेके जाएं, कर्व करें, फिर नीचे लेकर आएं थर्ड लाइन तक। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स लगानी है, ठीक है बेटा? ये क्या बन गया हमारे पास? लेटर एम। क्या बन गया? लेटर एम। अब नेक्स्ट लाइन पर आएं, जहाँ पे हमारे पास डॉट राइट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करें, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर लेकर गए कर्व किया, फिर नीचे लेकर आए स्ट्रेट लाइन थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर लेके गए कर्व किया और फिर नीचे ले आए थर्ड लाइन तक, ठीक है? क्या बन गया? लेटर एम। फिर नेक्स्ट डॉट पर आ जाएं, इसी तरीके से स्ट्रेट आई, कर्व किया, फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर लेके गए कर्व किया, फिर स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया? लेटर एम। फिर आ जाए नेक्स्ट डॉट पर, स्ट्रेट आई से हम ऊपर लेके जाएंगे कर्व करेंगे, फिर नीचे ले आएंगे स्ट्रेट, फिर ऊपर लेके जाएंगे हल्का सा कर्व करेंगे और फिर नीचे स्ट्रेट लाइन, ठीक है? क्या बन गया? लेटर एम। फिर इसको देखें डॉट पे लेकर आए नीचे थर्ड लाइन तक स्ट्रेट, फिर ऊपर लेके जाएंगे इसको हल्का सा कर्व करें, फिर नीचे लेकर आए स्ट्रेट लाइन, फिर ऊपर लेके जाएं इसको हल्का सा कर्व करें और फिर नीचे ले आए। क्या बन गया? स्ट्रेट एम। फिर नेक्स्ट डॉट पर आए, पेंसिल रखें, स्ट्रेट आई बनाएं, ऊपर लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें, फिर नीचे ले आए
थर्ड लाइन तक, फिर ऊपर लेके जाएं, हल्का सा कर्व करें और फिर नीचे ले आए, क्या बन गया एम जी बेटा। अब हमारी फोर लाइन्स हो गई हैं, तो आपकी टू लाइन्स रह गई हैं। टू लाइन्स आपने अपनी मामा की हेल्प से कंप्लीट करनी है, ठीक है, और ये आज की डेट में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।